गुरुसराय नगर पालिका के निवर्तनमान चेयरमैन पंडित देवेश कुमार पालीवाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान ही पत्रकारों को स्पष्ट करते हुए बताया है कि नगर पालिका परिषद के कुछ कर्मचारी और आदिशाही अधिकारी की मिलीभगत के कारण ही उन्होंने जनता पर गृह कर के नियम विरुद्ध बढ़ोतरी कर भार बढ़ा दिया है, जिसके विरुद्ध में वह स्वयं जनता के साथ हैं और इस बढ़े हुए गृह कर को लेकर ही नहीं यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। और उन्होंने बताया है कि कुछ विरोधी तत्व जो है इस बात का दुराचार कर रहे हैं कि बोर्ड की बैठक में इसको पास किया गया है, जबकि 2.5 साल पहले बोर्ड की एक बैठक में आयोजित की गई थी जिसमें 5% जो टैक्स है बढ़ाए जाने का प्रावधान रखा गया था और उसको भी चेयरमैन ने जनता पर नहीं लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद से ही उनके चार्ज छोड़ने की तुरंत बाद ही षड्यंत्र करने वालों ने बिना बोर्ड की बैठक किए बिना ही डिमांड प्रस्तुत कर दिया और बगैर इसमें कई गुना टैक्स बढ़ा दिया है। जनता के साथ सरासर अन्याय है, इसके लिए चेयरमैन स्वयं को दोषी नहीं मानते हैं और उन्होंने कहा है कि जनता की सेवा के लिए हमारा परिवार आगे रहेगा और जहां भी जिस चीज़ का आंदोलन की ज़रूरत होगी वह सबसे आगे होंगी और टैक्स माफ़ी के लिए भी वह सभी के साथ जाकर नगर पालिका पर आंदोलन के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में ना उनके हस्ताक्षर कराए गए हैं और ना ही कोई बोर्ड की बैठक की गई है और ना ही डिमांड बनाई गई है। आदिशाही अधिकारी ने मनमानी रवैया और नगरपालिका के कुछ कर्मचारियों तथा षड्यंत्रकारियों में मिलजुल कर जनता पर यह अतिरिक्त भार बढ़ा दिया है और उनके खिलाफ दुराचार किया जा रहा है। नगरपालिका में जो टैक्स बढ़ाया गया है, जनता इसका आरोप आप पर लगा रही है कि आप बढ़ाकर चले गए। ऐसा है, आप सभी लोग गुरुसराय के जिम्मेवार व्यक्ति हैं। 12 तारीख को मैंने चार्ज छोड़ दिया। मुझे मेरे संज्ञान में भी नहीं है कि कब प्रेस में ये नोटिफिकेशन हुआ बगैर बोर्ड प्रस्ताव के डिमांड बना ली गई। डिमांड ना मुझे दिखाई गई और ना मेरे कहीं हस्ताक्षर हैं। मैं आप सभी लोगों के सामने एक गुड़सराय की जनता से कि पालीवाल परिवार ने हमेशा आपकी सेवा की है। हम लोग कोई 2.5 साल पहले हम लोगों ने 5% टैक्स बढ़ाया था, लेकिन आज भी वो मैंने लागू नहीं होने दिया और हर नगर पालिका में 60 रुपये महीने यूजर चार्ज लगता है, लेकिन मैंने वो भी लागू नहीं होने दिया। ये मेरे खिलाफ़ षड्यंत्र है, उसमें हो सकता है पालिका के भी कुछ कर्मचारी शामिल हों, क्योंकि 2 दिन पहले और मेरी बिना जानकारी के प्रेस में चला गया, बोर्ड में कोई चीज़ पास नहीं है। कैसे, ये तो पूर्णतः अवैधानिक है। जब कोई चीज़ बोर्ड में पास नहीं है, ना बोर्ड के सामने लाई गई, तो गुड़सराय की जनता के लिए है तो मैं ये लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे रहूँगा और सबसे पहले मैं, कोई भी आंदोलन होगा तो देवेश पालीवाल सबसे पहले खड़ा होगा गुड़सराय की जनता के भविष्य के लिए। एक जनचर्चा यह भी है कि बोर्ड की मीटिंग में भी पास हुआ है, पार्षदों के हस्ताक्षर भी हैं। 2.5 साल पहले, तारीख मुझे ध्यान नहीं है, बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें 5% बढ़ाया गया था, लेकिन वो मैंने आज तक लागू नहीं होने दिया। आपको क्या लगता है ये षड्यंत्र कौन कर रहा है? अब आप सब खुद समझ सकते हैं कि 2 दिन पहले अगर हम टैक्स बढ़ाते तो 2 दिन पहले कोई आदमी क्यों बढ़ाएगा? एकाएक 12 तारीख की जो चर्चा हो रही है कि 12 तारीख को आप दस्तक कर चली गए। आप लोग स्वतंत्र हैं, जन सूचना से आप मांग लीजिए, मेरे अगर कहीं साइन भी हो तो मैं आप इसके लिए हम जहां भी जाना पड़ेगा गुड़सराय की जनता की हित के लिए मैं वहां जाऊंगा और जो भी आंदोलन करना पड़ेगा मैं करूंगा।